मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। मैं अंकित अवस्थी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा, जैसा कि आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाया जा रहा था, तो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने हर टाइप का क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस सेशन भी करवाया, जिसमें कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। तो आई थिंक आपको टाइम एंड वर्क लगभग क्लियर हो गया होगा और उसकी प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप लगाइए और जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती वो शेयर करिए मुझसे, और मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग उसमें डिस्कशन क्लास में आप पूछ सकते हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वो सारी प्रॉब्लम्स, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, और टाइम एंड वर्क के आगे ही आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाइप एंड सिस्टेन। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है और कॉन्सेप्ट भी थोड़ी है, और पढ़ा इसलिए रहा हूं इस चैप्टर को क्योंकि टाइम एंड वर्क से ही रिलेट करता हुआ चैप्टर है, तो आपको आसानी रहेगी और क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे क्योंकि उसी टाइप के इसके भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसी टाइप का प्रोसीजर इसमें होता है। तो बेटा, कुछ लोगों की, आप लोगों की जो डिमांड है, जो शिवानी है और भी बच्चे सिंप्लीफिकेशन बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा बेटा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। और पाइप एंड सिस्टेन जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसको ध्यान से फोकस करिए और उस चैप्टर्स को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी अर्थमेटिक में एक और चैप्टर आपके लिए अच्छे तरीके से कम्प्लीट होता जाए। तो बारी बारी से जो चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, वो अच्छे तरीके से देखते जाइए और समझते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का चैप्टर पाइप एंड सिस्टेन। ठीक, पाइप एंड सिस्टेन स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूं। देखो बेटा, इस चैप्टर में क्या होगा, पाइप और टंकी, नाम चैप्टर का है बेटा पाइप और टंकी। तो पाइप और टंकी का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होंगे, कुछ पाइप होंगे जो टंकी को भरते होंगे और कुछ पाइप होंगे जो टंकी को क्या करते होंगे, खाली करते होंगे। तो बेटा क्या होगा, जो पाइप टंकी को भरने का काम करेगा उसको हम लोग लेंगे प्लस का। ओके, ठीक, जो टंकी को भरने का काम करेगा उसको लिया जाएगा प्लस का, और जो टंकी को खाली करने का काम करेगा उसको लेंगे माइनस का। मतलब इफिशिएंसी इस तरह से ली जाएगी, जो भरेगा टंकी को उसको प्लस लिया जाएगा और जो टंकी को खाली करेगा उसको माइनस लिया जाएगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्लियर रखिए बेटा, जो टंकी को भरने का काम करेगा उसको लेंगे प्लस साइन के साथ और जो टंकी को खाली करेगा उसको लेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक, सबको क्लियर हो रहा, अगर जो टंकी को भरने का काम करेगा वो लिया जाएगा बेटा प्लस साइन के साथ और जो टंकी को खाली करने का काम करेगा वो लिया जाएगा माइनस साइन के साथ। आप एक कॉन्सेप्ट और क्लियर रखिए कि जो चीज, जो पाइप टंकी जैसे भरी हुई है, तो भरी टंकी को खाली करने वाला पाइप हमेशा खाली करेगा और खाली टंकी को भरने वाला पाइप भरेगा। मतलब ये चीज और ध्यान रखिएगा, उल्टा काम होता है इसमें, भरने वाले को खाली करता है, खाली करने वाला भरता है। मतलब ये चीज क्या होती है कि कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि क्षमता क्या होती है, क्षमता आपको बताई जा चुकी, एफिशिएंसी क्या होती है, वही सारी चीजें इसमें बेटा यूज होनी है, कुछ चीज अलग नहीं यूज होनी। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते थे, सेम उसी प्रोसेस पर बेटा पाइप एंड टंकी के भी क्वेश्चन आपको करने हैं, पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन उसी तरह से करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट भी छोटी सी है, तो इसलिए अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस सेशन में ही आपको सारा कंप्लीट मैं करवा दूंगा बेटा। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे ज्यादा से बच्चे जुड़ सके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पाइप एंड सिस्टेन में आगे बढ़ाते हैं कहानी। और कंसेप्ट हमने बताई आपको, वो ध्यान रखिए कि जो भरने वाला होगा, जो टंकी को भर रहा होगा वो प्लस साइन के साथ लिया जाएगा और जो टंकी को खाली कर रहा होगा वो माइनस साइन के साथ लिया जाएगा बेटा। ठीक, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं लाता हूं, तो आप समझिएगा उस क्वेश्चन को, कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो लाते हैं पहला क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बेटा, ध्यान से देखिए और पढ़िए उस क्वेश्चन को, समझिए कि ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, दो नल हैं, एक टंकी को 48 मिनट
और 1 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों टंकियों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक बेटा, आप ये जानते हो कि जो वर्क होता है वो सेम यूनिट में लिया जाता है हमेशा। किस में लिया जाता है बेटा? सेम यूनिट में लिया जाता है। तो दोनों पाइप जो हैं, पहला पाइप है ए और दूसरा पाइप है बेटा बी। ठीक, हमने मान लिया दो पाइप है ए और बी। तो जो पहला है वो टंकी को भरता है 48 मिनट्स में। कितने मिनट्स में बेटा? 48 मिनट्स में। और दूसरा जो पाइप है वो भरता है 1 घंटे में। तो बेटा 1 घंटे, यहां मिनट है और 1 घंटा दिया गया, तो घंटे को हम लोग बेटा क्या लिख लेंगे? मिनट लिख लेंगे। तो 1 घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं? सबको क्लियर है, 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट होते हैं। तो 48 मिनट और 60 मिनट्स। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग चले जाएंगे। अब देखो ये दोनों ही पाइप जो है वो कैसे है, भरने का काम कर रहे हैं बेटा। तो 48 मिनट और 60 मिनट इसको हम लोग भरने का काम करेंगे। तो यहां पर वही चीज, टोटल वर्क निकालने के लिए या टोटल क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 48 मिनट और 60 मिनट का जब बेटा एलसीएम लिया जाएगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? इनका अगर एलसीएम ले तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा 48 और 60 का एलसीएम? अगर इसका हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा एलसीएम? 48 और 60। मैंने बताया था अगर इनका एलसीएम लेना हो तो आपको क्या करना होगा कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कट कर रहा हो तो किसी एक को काट दो और किसी एक में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, इतना करना है। ठीक, तो अगर जैसे हम लोग इसका अगर एलसीएम लेना चाहें तो बड़ा से बड़ा नंबर आप देखिए इसमें कौन सा है जो इनको दोनों को बराबर कट कर रहा हो, ऐसा कौन सा नंबर आपकी माइंड में आ रहा है बताइए। तो हमने बड़े से बड़ा नंबर मान लिया 12 है, तो 12 इसको है जो कट कर रहा है बराबर बराबर। ठीक, तो इसको हम लोग कट करते 12 चौको 48 और 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा 240। इसका एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा? 240। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग इसको इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा? ये यहां पर इसको इससे जब डिवाइड किया जाएगा तो इसकी क्षमता आ जाएगी बेटा 5 और इसकी आ जाएगी कितनी? 4। सबको क्लियर हो गया होगा, इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी आ जाएगी 4। ठीक, तो अब देखो ये आ गया, तो हम लोग ये दोनों ही क्या करते हैं, भरने का काम करते हैं। तो ये भी प्लस में लिया जाएगा, ये भी प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि ये भी टंकी को भरता है और ये भी टंकी को भरता है, मतलब दोनों की क्षमता कितनी होगी? +1 होगी, +9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और +9 से हमको टंकी कितनी भरवानी है बेटा? 240। कितनी भरवानी है? 240। तो हम लोग अगर दोनों मिलकर भरवाएं ए और बी के द्वारा टंकी को, तो बेटा कितना आ जाएगा वर्क? 240 और डिवाइड कर देंगे किससे बेटा? 9 से। किससे कर देंगे? 9 से। तो यहां पर जब 9 से डिवाइड किया जाएगा तो बेटा ये अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 3 ये आ जाएगा 80 और इसमें भाग देंगे तो 26 78 और 2 26 सही 2/3 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से भर जाएगी। सबको क्लियर हो गया होगा, 26 सही 2/3 मिनट में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। क्वेश्चन बेटा आसान है, बस क्वेश्चन की कंसेप्ट समझिए। इसी में आपको हमने एक चीज और बताई थी, जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में बताया था कि जब दो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हों, सपोज दैट एक टंकी ए है, वो अगर किसी टंकी को भरती है, ए पाइप है अगर किसी टंकी को भरता है एक्स मिनट में और दूसरा बी है वो भरता है वाई मिनट में, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का अगर डायरेक्ट आपको आंसर निकालना हो तो बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सारे बच्चों को याद होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जिन्होंने मेरा टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर देखा बेटा तो उसमें मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बता रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से भी कर सकते थे, तो यहां से आपके करने के लिए बहुत आसान था, 48 × 60 / 48 + 60 तो हो जाता बेटा कितना? 108। ठीक, तो इसको काट देते, 6 से कट जाता 18 आ जाता, 6 से काट देते 48 आ जाता, 2 से काट देते 9 आता, 2 से काटते 4 आता, फिर वही चीज 3 × 9 3 × 20 80/3 और 80/3 आने के बाद वही चीज फिर से आ जाती जो चीज आपके सामने लिखी हुई है।
तो बेटा सबको क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था स्टार्टिंग करने के लिए। एक पाइप ए था वो 48 मिनट में टंकी को भरता है, दूसरा पाइप बी है जो 60 मिनट में भरता है, और दोनों का एलसीएम लेंगे 240, और इसकी भी क्षमता पॉजिटिव लेंगे, इसकी भी क्षमता पॉजिटिव लेंगे। बेटा क्षमता पॉजिटिव क्यों ली जाती है आपको पता है? क्योंकि जब दोनों पाइप भरने का काम करते हैं तो क्षमता कैसी लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। बेटा यहां मिलकर क्षमता आएगी 9, 9 क्षमता से भरवाना कितना है 240, तो 240 बटे 9 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 26, सही 2/3। सबको क्लियर हो गया होगा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद आप ये मत सोचिए सिंपल क्वेश्चन में करवा रहा हूं, आज मैं और भी आपके लिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक सीखेंगे नई अप्रोच कि क्वेश्चन सर कैसे, जैसे कि कल मैंने आपको बताई थी एक कॉन्सेप्ट और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिएगा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और अच्छे से समझिए उस क्वेश्चन को भी। वो क्वेश्चन बेटा क्या लिखा होगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की थीम को समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हो बेटा, दो नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं और पहला नल एक टंकी को एक घंटे में भर सकता है, तो दूसरे नल को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना बेटा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा दो नल हैं, एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और पहला नल यदि टंकी को एक घंटे में भर सकता है तो दूसरा नल कितने में भरेगा ये बताना बेटा। दो नल हैं जो मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दो नल हैं ए और बी सपोज दैट मान लिए, और मिलकर भरते हैं 40 मिनट में। बेटा कितने समय में भरते हैं? 40 मिनट में। तो ए अकेला जो है वो टंकी को भरता है 60 मिनट में, क्योंकि एक घंटे का टाइम दिया गया बेटा, 60 मिनट में भरते हैं तो एक घंटे का टाइम दिया गया। तो कह रहा बी अकेला इसको कितने भर देगा, आप अगर इसको देखो तो एलसीएम बेटा आएगा 120। सबको क्लियर हो गया, 120 मिनट्स आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। सबको क्लियर हो गया 120 मिनट आएगा एलसीएम, ठीक। 120 मिनट आने के बाद आप एक चीज इसमें गौर करिएगा कि 120 मिनट्स तो आ गया, लेकिन अगर आप इसमें ये देखो कि इसका जो वैल्यू है अगर इफिशियंसी निकाली जाए बेटा, तो 40 से यहां निकालेंगे यहां 3 आएगी, 60 से यहां निकालेंगे 2 आएगी, ठीक। तो ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 3 है, और ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 2 है। कितनी है? 2। तो यहां पर अगर ए की यहां 2 है तो यहां भी 2 होएगी, और बी की कितनी होएगी? 1 होएगी। तो एक एफिशिएंसी से अकेले वर्क कराना है 120, तो बेटा आंसर हो जाएगा 120/1, मतलब आंसर हो जाएगा 120 मिनट्स। सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरीके बेटा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, और उसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर समझ पाए होंगे कि क्वेश्चंस में हम लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है या क्वेश्चन को कैसे समझना होता है। सबको क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, देखिएगा बेटा तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि चैप्टर आसान है, चैप्टर आसान जरूर है, लेकिन आप कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन इसका आता है चैप्टर का कि जो मूव करा देता है माइंड को, और छोटे छोटे एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस नहीं आप कर पाते, तो आप ये कतई मत सोचिए कि चैप्टर कोई भी आसान, चैप्टर सारे अच्छे होते हैं, सारे इजी होते हैं, बस क्वेश्चन की कंसेप्ट आप क्लियर रखिए और क्वेश्चन को करने का तरीका एक बार अच्छे तरीके समझ जाओगे आप तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। तो इसलिए क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस की थीम को देखिए और बहुत आसान आराम से पढ़िए, और जो इसके आगे जो लोग भी बोल रहे हैं या आपका सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम करवा दूंगा, और सारे चैप्टर बाय चैप्टर आपको SICI भी कई लोगों ने बोला है तो SICI भी चलेगा बेटा, चैप्टर बाय चैप्टर सारे कोर्स मिलेंगे आपको, सारा चैप्टर मिलेगा, इसलिए आप क्लियर करके अच्छे से समझते जाइए। तो इसी के आगे बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा, पढ़िएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा तीसरा वाला। क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़िएगा, दो नल
किसी टंकी को दो नल बेटा, किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है। तीन नलों को एक साथ खोलने पर 2 घंटे में टंकी खाली हो जाती है, तो बताओ तीसरा नल भरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। बेटा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन की थीम को, क्वेश्चन के वर्डिंग को। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, तीन नल है, दो नल ऐसे हैं जो टंकी को भरने का काम करते हैं और तीसरा नल जो है वो बेटा टंकी को क्या करता है, खाली करने का काम करता है। तो टंकी को भरने का अगर काम कर रहा है ए नल, एक नल ए है, दूसरा नल बी है और तीसरा नल जो है वो सी है, लेकिन वो इन तीनों के साथ मिलकर काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी। समझिएगा तीसरा नल जो है वो माइनस का है और वो खाली करने का काम करता है, मतलब दो नल ऐसे हैं जो भरने का काम करते हैं। और एक लाइन लिखी है इसमें, एक साथ तीनों नलों को खोलने पर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक साथ तीनों नलों को खोलने पर टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। तो बेटा यहां पर है 30 मिनट, सबको क्लियर होगा, ये है 40 मिनट और टंकी 2 घंटे में खाली होती है, तो 2 घंटे को बेटा पढ़ा जाता है 120 मिनट, सबको क्लियर हो जाएगा 120 मिनट। तो हम लोग बेटा यहां पर अगर आगे सवाल को बढ़ाएं तो यहां पर सबका एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 120 ही आ जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम होता है वही बेटा इसका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो हम लोग जब यहाँ 30 को 120 डिवाइड करेंगे बेटा 4 आएगा, 40 को 120 डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 120 को इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यहां पर बेटा ए की क्षमता आप देख रहे हो कितनी है बेटा, ए की क्षमता है 4, बी की है 3 और ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की कितनी है, 1 है बेटा क्षमता, कितनी है 1 है। ठीक, तो यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा कि अगर ये क्षमता 1 है, ये क्यों आई है 1, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये 1 क्यों आई है, क्योंकि यहां पर सी जो नल लगा हुआ है वो काम कर रहा है खाली करने का। बेटा ध्यान दीजिएगा, ए की अगर एफिशिएंसी मैं यहां पर 4 लिखूं तो कोई आपत्ति, बी लिखूं 3 तो कोई आपत्ति, तो मिलकर कितनी हो गई बेटा 4 और 3 7। ठीक, तो यहां पर बेटा एफिशिएंसी जो रखी जाएगी सी की वो रखी जाएगी -8, क्यों, 7 में जब -8 जाएगा तो बेटा वैल्यू तभी यहां पर क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू इसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है बेटा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो जो भी नल खाली करने का काम करता है, मैंने आपको बताया है उसकी कॉन्सेप्ट कि जो भी काम खाली करने का करेगा उसकी क्षमता को हमेशा कैसा लेंगे, माइनस लेंगे बेटा, उसकी क्षमता को कैसा लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा हमेशा। तो यहां पर बेटा सी से अगर काम करवाना है तो सी के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं सी की क्षमता कितनी है। तो अगर हम लोग समय बताएं तो समय बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, यहां पर टोटल समय कितना है 120 और डिवाइड करेंगे किससे बेटा 8 से, जैसे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर बेटा आ जाएगा 15 मिनट, कितना आ जाएगा बेटा आंसर 15 मिनट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं, लेकिन आप अगर नहीं समझते हैं तो बहुत कुछ खास है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर से समझिए। जिसको भी क्लियर नहीं हो पा रहा बेटा मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं और समझा भी देता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है दो नल है बेटा, एक साथ 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं, तो बेटा ये 30 मिनट हो गया, ये 40 मिनट हो गया, एक तीसरा नल लगा हुआ है वो तीनों के दोनों के साथ खोला जाता है, मतलब ए और बी के साथ जब खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी 120 मिनट में भर जाती है, ठीक, सॉरी खाली हो जाती है 120 मिनट में, बोला तो 2 घंटे है लेकिन जब ये मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट, तो हम लोग 60-60 को क्या करेंगे 120 कर देंगे, तो 120 मिनट हो जाएगा। तो ये बेटा 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, तो बेटा यहां पर कितना लिखेंगे, -8 लिखेंगे, तो 4 3 7 और 7 में -8 घटेगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी बेटा। -8 क्यों लिखा गया, सबको क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है खाली करने का। तो बेटा 8 से जब 120 को डिवाइड किया जाएगा तो आंसर बेटा कितना आएगा, 15 मिनट आ जाएगा, सबको क्लियर हो गया। तो पाइप और टंकी के क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं बारी बारी से, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा।
देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा बेटा, दो नल किसी टंकी को 18 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे खाली कर सकता है, तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी 40 मिनट में भर जाती है, बताइए कि तीसरा नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है। बेटा सेम लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अभी अभी जैसा मैंने बताया सेम वैसे क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए बेटा करके बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन के लिए, बताइए कि कितने लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, आप समझिए और बताइए जितने लोग कर पा रहे हो बेटा करिए इस क्वेश्चन को। स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को और 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। जितने लोग कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को जरूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, समझ में सबको आएगा। क्वेश्चन को देखिए और बताइए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बताएं, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए दो नल हैं, आंसर कमेंट आई अभी किसी की, करिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए जितने लोग कर पा रहे हैं उसको। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन के लिए, बताएं क्या आंसर आ रहा है। अपॉन में भी लिखकर आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है एक नल ए है, दूसरा नल बेटा बी है, और जब तीनों नल मिलते हैं तब क्या होता है। पहला है 18 मिनट में भरता है, दूसरा 24 मिनट में, और तीसरा 40 मिनट में। जब तीसरा नल दोनों के साथ मिल जाता है तो 40 मिनट आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा, 40 मिनट आ जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग इनके एलसीएम की तो 18, 24 और 40 सभी का बेटा एक साथ एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, बताइए। जब तीनों वैल्यू का बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 18, 24 और 40, तीनों वैल्यू का एलसीएम ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा। तो देखो बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक, कमेंट किया कई लोगों ने, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, देखो फिर भी देख लीजिए, जो लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं इसका, 360 आ जाएगा। यहां पर देखेंगे 18 दूनी 36, 20 हो गया, 24 ये हो जाएगा 15, 40 ये हो जाएगा 9। बेटा देखिए यहां पर फिर से वही चीज आ गई, एक ही क्षमता है 20, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, ये है 15, 20 15 35 और यहां पर आना 9 है, मतलब यहां पर क्षमता जो रही होगी वो माइनस में रही होगी और माइनस की रहेगी 26, क्योंकि जब 35 में 26 घटाएंगे तभी क्या आएगा, 9 आएगा बेटा, और 26 से भरवाना कितना है 336, तो समय बराबर कार बटे क्षमता, तो कार है 360 और क्षमता है बेटा 26। तो एक तरीके से आप यही आंसर लिख सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, जिस तरह से आप निकाल पाओ। 360 में डिवाइड करेंगे 26 का, आप डिवाइड करके आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी खास नहीं है, आप अगर समझेंगे तो क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, सबको क्लियर हो गया, क्लियर बोलिए कमेंट में। एक नल ए है 18 मिनट में भरता है बेटा, दूसरा नल बी है 24 मिनट में भरता है, जब तीसरा नल आ जाता है जो खाली करने का काम करता है, तीनों के साथ मिल जाता है बेटा तो यहां पर 40 मिनट में टंकी भरती है। हम लोग टोटल निकालेंगे तो बेटा 360 आएगा, 360 को हमने 18 से डिवाइड किया, यहाँ 20 आया, इसको डिवाइड किया 15 आया, इसको डिवाइड किया। एलसीएम की ट्रिक मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कैसे निकालते हैं, और सबको क्लियर होगा कि तीन नंबर्स का जैसे बताना है तो छोटे नंबर को हटा दो, दो नंबर से निकाल लो, उससे भी एलसीएम आप निकाल सकते हो। और एक चीज क्या है कि एलसीएम और अच्छा निकालने के लिए मैं आपको जब एलसीएम का चैप्टर पढ़ा दूंगा तो उससे आपका और अच्छा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप देखते रहिए, आ जाते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया आपकी, पढ़िएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दो नल एक टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी भरने से 2 मिनट पहले दूसरा नल बंद कर दिया जाए। बेटा ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, दूसरा नल जो है वो टंकी को 2 मिनट पहले क्या कर दिया जाता है, दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले ध्यान से, दो नल एक टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं, दो नल है बेटा, एक ए है दूसरा बी है, ध्यान दीजिएगा, एक भरता है 30 मिनट में और दूसरा भरता है 40 मिनट में, ठीक, दोनों भरते हैं टंकी को भरने काम करते हैं, यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 120 आ जाएगा, मतलब 120 पूरा जो है टोटल वर्क है बेटा, तो 120 को जब डिवाइड किया जाएगा तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, दोनों नल बेटा टंकी को भरते और भरते रहते, काम पूरा होता रहता, अगर हम दोनों से काम करवाना चालू करते, ये सपोज दैट मान लो ये टंकी है ये भरना चालू हो गई, यहां से ए और बी ने टंकी भरना चालू कर दिया, तो बेटा ये 4 है ये 3 है, टंकी यहां से भरना चालू हो गई, भरती चली जाती भरती चली जाती और तब तक भरती रहती जब तक कि 120 टंकी ना भर जाती। लेकिन हुआ क्या बेटा लास्ट में, लास्ट में ये हुआ कि टंकी जैसे ही भरने वाली थी उसके जस्ट 2 मिनट पहले, उसके जस्ट 2 मिनट पहले दूसरा नल बंद कर दिया गया। देखो ध्यान देना बेटा, यहां से यहां तक उसके जस्ट 2 मिनट पहले, लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, उसके जस्ट 2 मिनट पहले दूसरा नल बंद कर दिया गया, दूसरा नल अर्थात बी, बी ने यहां पर काम खत्म कर दिया, बी ने अपना काम खत्म कर दिया, मतलब बी लास्ट के 2 मिनट्स वर्क नहीं किया। तो बेटा आप लोगों को याद होगा, जिनको मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है उनको सबको क्लियर होगा, हमने बताया था कि जो लास्ट के 2 मिनट काम छोड़ रहा हो उसको काम छोड़कर जाने ना दो, या लास्ट के 2 डेज काम कर रहा हो छोड़ रहा हो छोड़ने के ना जाने दो, उससे 2 मिनट काम और करवा लो, उससे 2 मिनट काम और करवा लो। तो बेटा 1 मिनट में काम कर रहा है बेटा कितना, 3, तो 2 मिनट में लास्ट में कितना काम कर देगा, 3 × 2 मीन 6 काम कर देगा, कितना काम कर देगा बेटा, 6 काम कर देगा, तो 120 काम तो होना ही होना था और 6 काम और हो गया, तो बेटा काम कितना हो गया 126। अब तो काम A प्लस बी ने ही चालू किया और A प्लस बी पर ही खत्म हुआ, तो 126 काम है और 126 काम को निपटाएगा कौन, A और बी दोनों, मतलब 7, 18 × 7 = 126, 18 मिनट बेटा इसका आंसर हो जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट आपको ये बताइए, सबको क्लियर हो गई होगी जिन्होंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर देखा, ठीक, लास्ट के 2 मिनट्स वर्क, हमने बताया था आपको कि लास्ट के 2 मिनट्स जो वर्क करा छोड़ रहा हो, पहले छोड़ रहा हो उसको छोड़ के ना जाने दो, उससे 2 मिनट का और करवा लो, तो 2 मिनट का उससे और काम करवा लिया, तो 3 × 2 = 6 और 126 में जोड़ दिया। एक तो चीज ये हो गई, आपको ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, सबको क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब एक मेथड और जो आपके दिमाग में आता है वो आपने सीखा है, आप अपना माइंड लगाते हैं और एक काम और सीखते हैं इस तरह से, जैसे यहां पर बी काम छोड़कर गया है तो लास्ट के 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट अगर बी ने काम नहीं किया लास्ट के 2 मिनट, तो लास्ट के 2 मिनट काम किसने किया होगा, लास्ट के 2 मिनट फिर काम किसने किया होगा, आप बता सकते हो लास्ट के 2 मिनट्स काम किसने किया होगा, अगर बी ने यहां पर काम छोड़ दिया है मतलब लास्ट के 2 मिनट पूरा जो काम है वो किसने किया, बताओ, तो यहां पर आप बता सकते हो कि ये 2 मिनट का जो काम है बाई ए है, किसके द्वारा है, ए के द्वारा, क्योंकि जब बी ने यहां किया नहीं तो ए ने ही किया, तो ए 1 मिनट में करता है कितना काम, 4, तो 2 मिनट में कितना कर देगा, 4 × 2 = 8 काम, 8 वर्क कर देगा, तो बेटा ये 8 वर्क हो गया और 120 काम था बेटा, तो 120 वर्क में 8 वर्क चला गया, तो बेटा वर्क कितना बचा, 112 है। अब ये 112 जो काम है इसको निपटाया किसने है, ए और बी ने, तो 112 / 7 काट देंगे
ये आ जाएगा 16 मिनट। कितना आ जाएगा बेटा? 16 मिनट। तो बेटा आंसर अगर बात करते तो 16 मिनट ये और प्लस 2 मिनट जो ये काम लगा है, तो आंसर आ जाएगा 16 और 2 18 मिनट। सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है, दोनों चीजें, दोनों मैंने कॉन्सेप्ट बताई हैं, और सबको क्लियर हो गया होगा। जो लोगों को नहीं क्लियर हुआ है बताएं, वो ये चीज समझ में नहीं आई या नहीं आई, मतलब जो भी चीज है वो आप क्लियर करिए उनसे, क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या चीज नहीं आप समझ पाए हो वो चीज पूछिए, ठीक है? सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा आपको फिर से बता देता हूं। ये वाली कंसेप्ट सबको क्लियर हो गई? 2 मिनट अगर काम नहीं कर पा रहा तो 2 मिनट और काम करवा लो, 2 मिनट पहले ना जाने दो तो 2 मिनट और करवा लो, तो मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, जो काम शुरू करे वही अंत तक करे, ठीक? तो 3 दूनी 6, 6 बार किए, 120 और नहीं करना था, 6 और करवा लिया तो 126 हो गया। आप 126 काम को दोनों से करवा लो तो 126/7 मतलब 18 मिनट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरी तरीका आपको ये बताया मैंने, कई लोग ऐसे करते हैं, ए प्लस बी, बी ने काम छोड़ा तो जब बी ने काम नहीं किया है लास्ट के 2 मिनट, मतलब क्योंकि बी 2 मिनट पहले चला गया ना, तो 2 मिनट पहले अगर चला गया मतलब बाई वो काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। तो अगर ए करेगा 1 मिनट में 4 काम तो 2 मिनट में करेगा 8 काम, तो बेटा 120 में 8 काम चला जाएगा, तो काम बचेगा बेटा कितना? 112। अब ये 112 काम किया होगा दोनों लोगों ने, क्योंकि इधर तो दोनों ने किया है, तो 112/7 मतलब 16/7 112, 16 मिनट आएगा यहां आंसर। टोटल आंसर की बात करें तो 2 मिनट ये और 16 मिनट ये जोड़ देंगे तो बेटा 18 मिनट आंसर सबका आ जाएगा। सबको क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट? जिसको भी नहीं आया कमेंट में बताए, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ बताए, बाकी आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं। स्क्रीन पर ला रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए और समझिए और बताइए, पढ़िए क्वेश्चन, आ गया आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। बेटा लिखा हुआ है, एक टंकी है जिसमें 2 नल लगे हुए हैं बेटा, 2 नल लगे हुए हैं, एक टंकी है, एक टंकी में 2 नल बेटा लगे हुए हैं, और आप पढ़ पा रहे होंगे, 2 नल लगे हुए हैं, 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने में? 30 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक? फिर जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है, तीसरा नल खाली कर देता है उसको, एक व्यक्ति भरने वाले नलों को खोलकर कहीं चला जाता है। क्या किया कि नल भर रहे हैं, टैंक भर रहा है और भरने वाले नलों को खोलकर कहीं चला गया, आगे क्या हुआ? आगे हुआ बेटा ये कि खोलकर चला गया और तभी वापस लौट आया। जब टंकी को भर जाना चाहिए था, लौटकर वो वापस देखता है कि तीसरा नल खुला रह गया है, तुरंत उसे वह बंद कर देता है और उसके 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो बताइए कि तीसरा नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? तीसरा नल बताना है टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। बेटा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका लाया हूं आपके लिए, जिससे आप क्वेश्चन को विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जिसमें इस टाइप की लैंग्वेज आए कि नल खोलकर चला जाता है और नल क्या हो जाता है वो बाद में प्रोसेस नहीं हो पाता, इस तरीके से क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चंस बेटा सभी लोगों ने रीड कर लिया होगा तो सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि किस तरह से हम लोगों को, ये बड़ा सा क्वेश्चन है और इसका मैं ऐसा प्रोसेस आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान का तरीका, जिससे आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका, आप देखने से अच्छा है बेसिक मत देखो, बहुत कठिन हो जाएगा फिर थोड़ा और कठिन लगेगा, ठीक? तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले देखते हैं, 2 नल हैं, एक टंकी को भरते हैं ए और बी,
दो नल हैं, एक भरता है 30 मिनट में, दूसरा भरता है 45 मिनट में। एक भरता है 30 मिनट में बेटा और दूसरा भरता है कितने में, 45 मिनट में। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा। 30 मिनट और 45 मिनट भरते हैं, भर के चला जाता है, और भरने के बाद क्या होता है कि वो जो छोड़कर गया है भरने के बाद, उसमें क्या हुआ है कि वो उस तरीके से इसमें करता है कि अब क्वेश्चन को इसमें बताया गया कि 30 मिनट और 45 मिनट भर सकता है, तो तीसरा नल उसे खाली करने का काम करता है, व्यक्ति भरने को खोलकर चला जाता है, तब वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, लौट कर देखता है कि तीसरा नल खुला रह गया है, तुरंत उसे बाद में बंद कर देता है जबकि 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो बताइए तीसरा नल इस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। आपके लिए करना बहुत आसान, 30-45, ठीक, 30-45 जो आया है तो इसको बेटा क्या कर लो, पहले एलसीएम ले लो उसका, तो 90 आ जाएगा। ठीक, ये 3 और ये 2, टोटल एफिशिएंसी आई 5, 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 1 निकल के आएगा 18। हम लोग निकालेंगे यहां पर जो भी पूछा गया है सवाल में, हमसे पूछा गया है कि खाली करने में लगा समय, तो खाली करने में हम लोग इसका लगा समय निकाल लेंगे, तो खाली करने में लगा समय बेटा क्या करना होगा कि जो वैल्यू आई है उसको दो बार लिख दो, अपान में नीचे लिख दो अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय कितना 6 जो वहां पर लग रहा है, तो 6 * 3 = 18, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 54 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 54 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, थोड़ा सा कठिन लगेगा, और सरल करते हैं फॉर्मूला। एक तरीके से क्या होता है कि जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर अपॉन 6, मतलब अतिरिक्त समय, जो भी अतिरिक्त समय लग रहा। ठीक, तो अगर हम लोग यहां पर 30-45 का अगर ये एलसीएम मेथड नहीं लगाते हैं, तो हम लोगों ने आपको तरीका हमको बता रखा है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इससे अगर हम लोग निकालते हैं तो यहां पर क्या आता है बेटा एक्स वाई मतलब 30 * 45 अपॉन 30 + 45 मतलब क्या होगा 75 हो जाएगा बेटा। 5 से इसको काट दो 15 * 75 या 15 से काट दो 15 * 75 15 * 45 3 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 6 और ये देखो 18 यहां से भी निकल आया, तो 18 ये जो यहां से निकला है या यहां से निकले, तो इतना प्रोसेस ना करके आप इतना कर सकते हो, ये और आसान है। 18 उसके बाद आप 18 का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, अतिरिक्त समय से, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, खाली करने में लगा समय। एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आपकी स्क्रीन पर लाता हूं और बताइए उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विद इन सेकेंड्स बताइए जल्दी से। क्वेश्चन मैं लाता हूं स्क्रीन पर तो उसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर और कमेंट करिए जल्दी से, जितनी जल्दी कर पाइए, क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, कमेंट करके आंसर दें नेक्स्ट क्वेश्चन का, सबने कर लिया होगा। जो भी कर पा रहे हूं देखिए आ गया होगा, देखिए इसमें दिखा है दो नल टंकी को 24 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं और एक व्यक्ति भरने वाले नलों को खोलकर चला जाता है, बताइए 5 मिनट बाद टंकी भर जाती कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है। क्वेश्चन वैसा ही है और जो लोग कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को बताएं, करके समझाएं और बता भी सकते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। देखिए ए जो है वो 20 है और शायद दूसरा दिया गया है, एक दिया है 24 एक दिया है 40, तो ये 20 नहीं ये 24 है, 24 मिनट, बी दिया है 40 मिनट बेटा। ठीक, तो हम लोगों को ये 20 और 40 दिया गया और एक्स्ट्रा मिनट कितना लग रहा 5, तो बेटा क्या आ जाएगा 24 * 40 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मतलब 64, इसको कट देंगे 4 से तो 16, 4 से इसको काट देंगे 6, इसको काट देंगे 2 * 8 = 16, 2 से इसको काट देंगे 3 और 8 से इसको काट देंगे 5, ये बेटा आया 15 और 15 को दो बार लिखा जाएगा अपॉन में लिखा जाएगा 5,
5 से इसको काट देंगे तो बेटा आ जाएगा 45, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कितने इजी तरीके से कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर पा रहे हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है और किस तरह से आपको मैंने करने का तरीका बताया है आप सभी लोग समझ गए होंगे। और भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी बुक में देखिए और जो आपको क्वेश्चन मिले वो सारे इसी तरीके से करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, आप सभी बच्चे जितने भी हैं लाइव सब लोग ध्यान दें, सब लोगों ने कल एक पढ़ी थी जू कॉन्सेप्ट। जू मतलब क्या होता है बेटा, चिड़ियाघर कॉन्सेप्ट, जिसमें बताया था मैंने एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन है कुछ बतख है और वो कुछ हिरन कुछ बतख करना काम कर चालू करते हैं, उनमें 49 सिर और 146 पैर, उसमें पैरों पैरों का अंतर निकाला था और चिड़िया और बतख की बतख और हिरन की संख्या हमने बताई थी बेटा चिड़ियाघर में। तो उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, वही कॉन्सेप्ट आपको मैं इस क्वेश्चन में लगाकर बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन पर ला रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। जिन लोगों को वो कॉन्सेप्ट ना याद हो कल की वीडियो देख ले और कल की वीडियो को देखकर वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उसके बाद उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी बेटा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक टंकी में 12 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ भरने का काम करते हैं और कुछ खाली करने का काम करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, सॉरी भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है बेटा। सभी नलों को एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है, तो बताइए भरने वाले नलों की संख्या। बेटा इस क्वेश्चन में टंकी भरने वाले नलों की संख्या पूछी है, तो हम लोग सवाल हल करेंगे किससे, खाली करने वाले से। कल आपको कॉन्सेप्ट बताई गई थी, अगर भरने वाले पूछे गए तो खाली करने वाले से करो और खाली करने वाले पूछे गए तो भरने वाले से करो। क्यों? क्योंकि आपको कल मैंने बताया था चिड़ियाघर कॉन्सेप्ट, जिसमें बताया था अगर बतख की संख्या निकालनी तो सवाल हल करेंगे हिरन से और हिरन की संख्या निकालनी तो सवाल हल करेंगे बतख से। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको बेटा इसमें अप्लाई करनी क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप पढ़िए, स्क्रीन पर मैं ले आया हूं क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से उसको देखिए समझिए और फिर बताइए। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा, स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देख लीजिए और समझकर बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक टंकी को नल को भरने के 8 घंटे में 6 घंटे में भर सकता है, ठीक, एक 8 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है बेटा, क्या कर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं इसमें, ये चीज समझने वाली है इसमें कि सबसे पहले ये देख लो, ए और बी, ये 8 घंटे में भर सकता है और ये 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये चीज देख लीजिएगा, एक 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि जो 8 घंटे में भर सकता है और एक 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम बेटा, एलसीएम कितना आएगा 24, तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये भरने की क्षमता प्लस हो गई और खाली करने की क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक। तो अब बेटा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं कि टोटल नल कितने हैं बेटा, 12 नल, कितने हैं 12 नल है बेटा, कितने हैं 12 नल, तो एक जो भरने वाला काम करता है उसकी क्षमता कितनी है बेटा प्लस 3, और जो खाली करने वाला है उसकी क्षमता कितनी है माइनस 4, तो ये है भरने वाले की और ये खाली वाले की। हमको आंसर किसके निकालना है, भरने वाले कितने नल है, तो सवाल हल करेंगे बेटा किससे, खाली करने वाले से, किससे सॉल्व करेंगे, खाली करने वाले से। सबको क्लियर हो रहा होगा कि खाली करने वाले से करेंगे, ठीक। तो बेटा इसमें क्या बताना है, हम लोग इसको किस तरह से करेंगे ये समझिएगा, ठीक। तो सबको ये चीज क्लियर हो पा रही होगी कि हम लोग यहां पर ये चीज क्या कर रहे हैं। देखो ये चीज आप एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर जो टोटल एफिशिएंसी निकल कर आ रही है वो टोटल कितनी आ रही है, यहां पर हम लोग टोटल देख लेते हैं, ठीक। तो आप ये देखिए कि जो क्षमता निकल कर आई है भरने वाले की, अगर हमको निकालनी है तो हम लोग पहले ये देख लेंगे कि भरने वाले के यहां पर एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ रही है, 3 से यहां पर डिवाइड कर लेंगे 24 को,
तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो ये प्लस 8 एक किनारे लिख लीजिए। अब हमने मान लिया अगर भरना निकालना है आपको तो सवाल हल करेंगे खाली करने वाले से, इस पे हाथ रख लेंगे। मान लिया पूरे के पूरे नल क्या है, खाली करने वाले। तो बेटा अगर एक खाली करने वाला ना 4 मिनट में खाली करता है, तो यहां पर मान लिया 12 चौको कितना, इन सबको पूरा मल्टीप्लाई करा दो तो 12 चौको कितना हो गया, 48। तो बेटा आया किसका है का, माइनस का 48। तो यहां पर अगर हम लोग निकालेंगे इसके साथ अंतर, तो माइनस माइनस 48, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बेटा कितना आया 56। यहां पर अंतर बेटा निकल के आया है 56। सवाल में यहां देखो अंतर कितने का है, 7 का। देखो +3 -4 मतलब +3 -4, तो बेटा अंतर आया कितने का, 7 का। तो 56 में यहां पर आया है अंतर कितने का, 7 का, और सवाल में आया है 56 का, तो 7 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू 8। मतलब भरने वाले नलों की संख्या बराबर कितनी हो गई बेटा, 8। सबको क्लियर हो गया, 8 हो गई, कितनी हो गई बेटा 8, सबको क्लियर हो गया। देखिए नीचे कुछ कट गया होगा, भरने वाले नलों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक, सबको क्लियर हो गया। फिर से एक बार बता देता हूं मैं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। 8 घंटे में भरता है, 6 घंटे में भरता है, तो एलसीएम लेंगे बेटा कितना, 24 लेंगे। यहां पर आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 3, यहां आएगा 4, यहां पर भरने वाले हैं 24, तो 3 से कितना आ जाएगा बेटा 24, मतलब आ जाएगा 8। कॉन्सेप्ट वही है कल जो बताई गई थी, चिड़ियाघर कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चन किया है। देख लीजिए 12 नल है टोटल, 12 नल में +3 यहां पर भरने वाला है, ये -4 है। हमने मान लिया कि पूरे पूरे नल खाली करते हैं, तो 12 चौको कितना आएगा, 48। माइनस का 48 आया बेटा, यहां पर क्या था प्लस का 8, इससे घटाएंगे अंतर आएगा तो कितना आ गया 56, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये 56 आ जाएगा। यहां पर अंतर निकल के आया बेटा 56, और सवाल में अंतर कितना आया है, सवाल में अंतर यहां पर निकल के आया है 7, तो 7 = 56, तो 1 = 8। भरने वाले नलों की संख्या अगर 8 हुई, तो बेटा खाली करने वाले संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि टोटल नल कितने लगे हुए, 12 लगे हुए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको मैंने कंसेप्ट बताई है वो कंसेप्ट वही है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन आपको बताई है जो कॉन्सेप्ट, उसी से आपको सवाल मैंने लगा के दिखाया है। आप अगर और भी क्वेश्चंस, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो आप एक्सरसाइज में देखिए और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस और लगाइए। तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, और आगे इसी के लेकर आता हूं और सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। कल से फिर से मिलते हैं 6:15 की क्लास पर, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अच्छे से रीड करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से समझिए। बेटा फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के और वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ओके।